यह जो अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है वह किसी आम आदमी का घर नहीं बल्कि बिहार में बीजेपी के माननीय विधायक का घर है। मामला बिहार के सीमावर्ती गोड्डा जिले के महगामा अनुमंडल के मेहरामा थाना अंतर्गत गोविंदपुर गांव का है, जो पीरपैती से ईसी पूर्व बाराहाट बाजार की मुख्य सड़क पर अवस्थित है। सामने दिख रहा बड़ा घर पीरपैती से बीजेपी के विधायक ललन पासवान का है और तोड़े जा रहे घर का हिस्सा भी माननीय विधायक के घर का ही एक हिस्सा है, जिसे वो अवैध निर्माण कर कई वर्षों से पीछे की जमीन वालों के घर का रास्ता रोक कर रखे थे। इसलिए लोग ना अपनी जमीन पर जा पा रहे थे और ना ही अपनी नई घर बना पा रहे थे। इस जगह को खाली कराने के लिए पूर्व में भी गोड्डा जिला प्रशासन ने कई बार प्रयास किया था, परंतु पीरपैती के बीजेपी के विधायक ललन पासवान ने झारखंड में अपनी पहुँच और पैरवी की बदौलत उसे रुकवाने में सफल रहे थे। इस रास्ते को लेकर वायु सेना के रिटायर्ड ऑफिसर ईसीपुर बाराहट निवासी कालिका प्रसाद भगत के अलावे दो अन्य लोग भी हैं, जो रांची उच्च न्यायालय से लेकर दुमका कमिश्नर के यहाँ मुकदमा लड़ रहे थे। दुमका कमिश्नर द्वारा आम लोगों को रास्ता दिए जाने का आदेश पारित होने के बाद भी पिछले कई वर्षों से पीरपैती के वर्तमान बीजेपी विधायक ललन कुमार पासवान रास्ता नहीं छोड़ रहे थे, जिसके बाद आज गोड्डा जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पीरपैती के बीजेपी विधायक ललन पासवान के झारखंड के गोड्डा जिला के महगामा अनुमंडल में मेहरामा थाना के गोविंदपुर गांव के घर के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद आम लोगों के लिए रास्ता खोल दिया गया। 6 कट्ठा 10 कट्ठा देना पड़ेगा। क्या जबरदस्ती मांग रहे जबरदस्ती तो आपने क्या बोला? हम बोले कि नहीं, कुछ एक धूर नहीं देंगे। हम लोग पैसा लगा के दिए हैं, गरीब आदमी है, बहुत मेहनत करके दिन रात मेहनत करके। अतिक्रमण से संबंधित मामला है ये, पीरपैती के विधायक जी लोग ललन पासवान जी का घर है तो ये तोड़ा जा रहा है, तो इसके पीछे क्या मामला था, क्यों तोड़ा जा रहा है? ये अतिक्रमण में है, उनका घर 3 कट्ठा बंदोबस्त हुआ है, बाकी शेष अतिक्रमण है। अतिक्रमण भूमि को हम अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं, रास्ता बीच में उनके द्वारा कोई रुकावट भी किया गया क्या? नहीं, अभी शांतिपूर्वक हम अतिक्रमण हटा रहे हैं। नोटिस आया हुआ था? नोटिस भेज दिया। कितना दिन पहले सर? नोटिस बहुत पहले भेज दिए हैं, जो प्रक्रिया है संविधानी को पूरा कर दिया। कहाँ से सर नोटिस आया था? झारखंड सरकार या बिहार सरकार? अंचल कार्यालय। अंचल कार्यालय।